नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 11 सितंबर और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे कि नीतीश कुमार अचानक से पहुंच गए तेजस्वी यादव के घर में और यहां पर गिड़गिड़ाने लगे तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से, आगे आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली सामने निकल के, राहुल गांधी ने दिया ऐसा बयान कि बीजेपी बौखला गई है दोस्तों। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हरियाणा के चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं और वहीं खबर भी सामने निकल के आ गई है कि विनेश फोगाट को लेकर के उनकी सीट से जुड़ी ताजा अपडेट आ रही है। और इसके साथ ही दोस्तों चौथी बड़ी खबर में यहां पर बात होगी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की बड़ी तैयारी, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में बात होगी यहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका, ताजा सर्वे में यहां पर बीजेपी की करारी हार होते हुए नजर आ रही है दोस्तों। जानेंगे आंकड़े विस्तार से कि कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य की नींद उड़ चुकी है दोस्तों। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन का साथ देगी तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति से ताजा अपडेट आ रही है जिसके बाद में देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। बताते चले नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नीतीश कुमार हमारे घर आए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दोस्तों दिया है। बताते चले तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार जब उनके घर में लालू यादव का हाल चाल जानने के लिए आए थे तो उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे। गिड़गिड़ाने वाली पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में मौजूद है, ये भी तेजस्वी यादव ने दावा किया है। नीतीश कुमार पर अब कोई भी भरोसा नहीं करता है, अब हम कभी भी गलती नहीं करेंगे नीतीश कुमार के साथ जाने की, ये तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद में यही पता चलता है कि यहां पर नीतीश कुमार पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं एनडीए के अंदर और अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि अगर वे आज इंडिया गठबंधन के साथ में होते तो शायद यहां पर यह भी हो सकता था कि वे आज प्रधानमंत्री तक बन गए होते, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उनको ऑफर पहले ही दे दिया था लेकिन उस ऑफर को ठुकरा दिया नीतीश कुमार ने। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताते चले बड़ी अपडेट आ रही है, आज भूपेंद्र हुड्डा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 15 सितंबर को कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। अहिरवाल बेल्ट के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं घोषणा पत्र में। 15 सितंबर के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी सभाएं भी होती हुई नजर आएंगी हरियाणा के अंदर दोस्तों। इसके साथ ही बताते चले कि हरियाणा में कांग्रेस की इस बार सबसे बड़ी जीत भूपेंद्र हुड्डा और उनके बाद में झुलाना से विनेश फोगाट की हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार गढ़ी सांपला सीट से करीब 58,000 वोटों से चुनाव जीते थे लेकिन इस बार यह जीत का आंकड़ा 60,000 से 65,000 वोटों तक जा सकता है। हालांकि जीत का आंकड़ा मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेगा बढ़ने का। विनेश फोगाट करीब यहां पर 35,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत सकती हैं, ये यहां पर दोस्तों रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है। आप लोगों को बताते चलें कि लगातार यहां पर हरियाणा के अंदर ताबड़तोड़ सर्वे आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर दिखाई जा रही है दोस्तों, ये खबर आई है। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा भड़के हैं भाजपा पर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में है और लगातार भाजपा और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, इस पर बीजेपी बौखलाई हुई है। और अब पवन खेड़ा बोले बीजेपी इंडिया नहीं है, मोदी और आरएसएस बीजेपी की आलोचना करना इंडिया की आलोचना नहीं है, ये यहां पर भाजपा को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए, ये साफ तौर पर कहना है पवन खेड़ा का। दोस्तों राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस की आलोचना करते हैं जिससे भाजपा यहां पर कहती है कि विदेश में जाकर के राहुल गांधी भारत की आलोचना कर रहे हैं। अब आप लोग ही बताइए कि बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी भारत आखिर कैसे हो सकते हैं, ये खबर आई है।
इतना ही नहीं, यहाँ पर गोदी मीडिया और भाजपा का एक और गंदा खेल सामने निकल के आया है। मामला क्या है दोस्तों, बताते चले। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण खत्म करने का अभी भारत में सही समय नहीं है, इसलिए कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे ही मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से यहाँ पर 5 रुपए मिलते हैं, और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, लेकिन भाजपा और गोदी मीडिया यहाँ पर क्या एजेंडा चला रहा है, ये चला रहा है टीवी पर, और भाजपा वाले कि यहाँ पर राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अभी आरक्षण समाप्त करने जैसा कुछ भी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नहीं कहा है, फिर भी कई लोग बयान को अपने एजेंडे के तहत तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। दोस्तों दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति से मांग की थी कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और इसको लेकर के एक चिट्ठी लिखी थी, और अब राष्ट्रपति ने ये चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी है। इस बीच अगर दिल्ली में लगा राष्ट्रपति शासन तो भाजपा की हालत और भी खराब हो जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी का एक ही काम है कि चुनी हुई सरकारों को कैसे भी करके गिराना। जहां भी बीजेपी जीत नहीं पाती है वहां वो विधायकों को खरीद करके पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। इसके साथ ही यहाँ पर आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी ने भी यही कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद करके सरकार नहीं गिरा पाए, इसलिए अब उन्होंने एक और साजिश यहाँ पर शुरू कर दी है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। आतिशी ने कहा है कि मैं बीजेपी को बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की जनता सब कुछ यहाँ पर देख रही है, लोग जानते हैं कि अगर कोई उनके लिए काम करता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। अगर बीजेपी साजिश के तहत यहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराती है तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो बीजेपी अगली बार यहां पर 0 सीटें जीतेगी, यानी कि विधानसभा में सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। ये बात यहां पर पूरे विश्वास से आतिशी ने कही है। दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली में भाजपा की साजिशें शुरू हो चुकी है राष्ट्रपति शासन लागू करने की। आप लोगों की दोस्तों क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी से अपडेट आ रही है, जहां पर बताते चलें कि पवन पांडे जो कि पूर्व मंत्री हैं और सपा के नेता हैं, बोले मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हत्या की है। ये यहां पर पवन पांडे पूर्व मंत्री का बयान आया, और वहीं वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार की भी प्रतिक्रिया आई है पूरे मामले पर। रविश कुमार बोले जो भी फर्जी एनकाउंटर करता है वो हमेशा के लिए सिस्टम का अपराधी बन जाता है, ये कहना है रविश कुमार का। दोस्तों के साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है, बताते चले, भाजपा को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा की चुनाव आयोग से शिकायत, कार्रवाई की मांग की गई है। रांची झारखंड से दोस्तों खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। इसमें कहा गया है कि ये राज्य के अधिकारियों के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, इससे अफसरों का मनोबल गिर रहा है, इसके खिलाफ में यहां पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कैबिनेट सचिव की ओर से इस बाबत चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री भी हमलावर हो गए हैं भाजपा पर, और यहां पर झारखंड में विधायकों सांसदों को खरीदने और पार्टी तोड़ने के लिए घूम रहे हैं केंद्रीय मंत्री सीएम सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां पर भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है, और आरोप लगाया है कि भाजपा के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वे यहां पर आकर के पार्टी के जो यहां पर विधायक सांसद हैं उनको तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि जेएमएम कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ये यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा अपनी आदतों से बाज अभी भी नहीं आ रही है।
भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि जो दल बदल की राजनीति होती है उसको जनता नकार देती है। खरीद फरोख्त की राजनीति को जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन भाजपा है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों ये खबर आई है सामने निकल के। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र के लोकपोल सर्वे ने उड़ा दी है भाजपा की नींद। कथित जो चाणक्य हैं उनकी भी नींद उड़ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आकर के चले गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह नहीं सके कि राज्य में महायुति की सरकार फिर बनने जा रही है। भाजपा लोकपोल सर्वे से घबरा गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आप लोगों को बताते चले, खुलासा हुआ है लोकपोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उसका वोट शेयर 38 से 41 प्रतिशत तक रह सकता है। सर्वेक्षण के मुताबिक विपक्षी गठबंधन एमबीए को यहां पर 141 से 154 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि जीत सकता है एमबीए इतनी सीटें, जबकि उसका वोट शेयर यहां पर 41 से 44 प्रतिशत तक जा सकता है। जबकि यहां पर अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं या निर्दलीय हैं उनके खाते में 5 से 18 सीटें तक जा सकती हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।